अवस्थी कागजों में ही लिपट कर रह गई रुपए के लेन देन की वायरल वीडियो की कार्यवाही। कृषि विभाग में तैनात वरिष्ठ सहायक उर्वरक बीज पटल सहायक अरविंद शुक्ला द्वारा अवैध वसूली का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह कृषि विभाग कार्यालय में रुपए के लेन देन का मामला चल रहा है। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर 2018 में अज्ञात व्यक्ति द्वारा रुपए के लेन देन का वीडियो वायरल किया गया था, जिसकी जांच उप कृषि निदेशक द्वारा टीम बनाकर की जा रही थी, जिसमें पाया गया कि 4000 रुपए का लेन देन उर्वरक बीज कीटनाशक और रजिस्टर शुल्क सहित रुपए का लेनदेन किया गया, लेकिन ये जांच सिर्फ कागजों में ही सिमट कर रह गई। विभाग द्वारा संयुक्त कृषि निदेशक देवी पटन मंडल गोंडा जिलाधिकारी श्रावस्ती आयुक्त देवी पटन मंडल गोंडा कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश कृषि भवन लखनऊ को भेज दिया गया था, जिसमें संयुक्त कृषि निदेशक ने उप कृषि निदेशक श्रावस्ती को निर्देशित किया था कि कार्यालय के ऐसे कर्मचारी जो संवेदनशील पटल 3 वर्ष से अधिक कार्यरत हैं उनका तत्काल पटन परिवर्तन कर दिया जाए, लेकिन संयुक्त कृषि निदेशक द्वारा भेजे गए पत्र की धज्जियां उड़ाते हुए पूरी कार्यवाही को ही बस्ते में डाल दिया गया। वहीं 5 अप्रैल को ऑफिस में खाद विक्रेता द्वारा रुपए लेनदेन का एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसको मीडिया द्वारा जिलाधिकारी के संज्ञान में लाया गया, जिस पर जिलाधिकारी ने मीडिया को बताया कि मामला संज्ञान में लिया गया है, जल्द इसकी जांच करवाकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या इसी तरह अवैध वसूली का धंधा कृषि विभाग में तैनात पटल सहायक अरविंद शुक्ला द्वारा फल फूलता रहेगा या फिर ऐसे भ्रष्ट लोगों पर कोई कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बताते चलें कि 1997 से कृषि विभाग में ये उर्वरक खाद पटल सहायक के पद पर तैनात हैं। आखिर इन महाशय के ऊपर किसका हाथ है जो उच्च अधिकारियों के द्वारा जांच कराए जाने में दोषी भी पाए गए, लेकिन आज तक इन महाशय के ऊपर कोई कार्रवाई ना होकर अवैध वसूली का धंधा फल फूल रहा है। जो जिला कृषिकारी कार्यालय में जो उर्वरक पटल सहायक जो श्री शुक्ला कार्यालय हैं उनके संबंध में 5 अक्टूबर को वीडियो पैसा लेने लेन देन संबंध में वायरल हुआ था, उसके परिपेक्ष में हमने तत्काल 3 अधिकारियों की गठित करके उसकी एक जांच कराई थी, और जांच के उपरांत जो भी परिणाम आया था उसको दृष्ट कर रखते हुए हमने अपने जिला कृषिकारी को निर्देशित किया था पत्र के माध्यम से कि आप तत्काल श्री शुक्ला का पटल बदलते हुए, चूँकि शासनादेश है कि कोई भी उर्वरक सहायक या पटल सहायक जो है उसको 3 साल से कार्यरत हैं तो उसको हटा दिया जाए, और उनको हटाते हुए और आपके अधीन जो कार्यरत हैं लिपिक उसमें से किसी को 4 हस्तगत कर दिया जाए। इस संबंध में ज्वाइंट डायरेक्टर गोंडा देवी पाटन मंडल ने भी पत्र लिखा है और उसको संज्ञान लेते हुए जहाँ तक ये जिला कृषिकारी से ज्ञात हुआ है कि उनके द्वारा उनका पटल किसी कनिष्ठ लिपिक श्री मनीष कुमार शर्मा को हस्तगत करने के शायद आदेश जारी कर चुके हैं। वहीं इस महीने में भी 5 तारीख को एक वीडियो और वायरल हुआ है जिसमें रुपया लेन देन कर रहे हैं, इस पर आप द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी जो वीडियो वायरल हुआ है ये मेरे संज्ञान में नहीं आया है, यदि आप द्वारा ही बताया गया सत्यता है और मेरे पास जैसे ही वीडियो आ जाएगी उसकी क्लिप या जो भी सूचना मिल जाएगी उस पर भी हम 3 सदस्यीय टीम गठित करके उसकी जांच करा करके उनके खिलाफ कार्रवाई है उसमें लिखा जाएगा, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए संज्ञान में आया है कि 2018 में जो आपने तारीख बताई उस तारीख में कोई वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें ये भी संज्ञान में आया कि जांच नियुक्त की गई थी और उस DD एग्रीकल्चर उसकी जांच भी कर रहे थे, तो हम इसको दिखवा लेंगे कि उसमें क्या हुआ और जो भी जांच थी ज़रूर उसको अगर कंक्लूड हो गई होगी तो वो आपको करवा दिया जाएगा, और अगर कंक्लूड नहीं हुई तो इंश्योर किया जाएगा कंक्लूड भी हो और किस वजह से डिले की गई है उस संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। और ये भी संज्ञान में आया कि अभी भी कुछ इस टाइप का एक वीडियो उनका रिलीज हुआ है तो उसकी भी जाँच करवाई जाएगी, और अगर इस टाइप का पाया जाता है कि किसी के द्वारा कुछ इस टाइप की हरकत की गई है तो उसमें फिर आवश्यक कार्रवाई भी की।